वो कहते हैं ना, सक्सेस इज अ सम ऑफ ऑल एफर्ट्स डन डे इन एंड डे आउट. सो दिस इज द मंत्रा ऑफ ऑल द इंस्पायरिंग इंडियंस टुडे. सर, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द इंस्पायरिंग इंडियंस. सर, हाउ डिड मिस्टर परमजीत नय्यर बी अ पार्ट ऑफ द बुक? हाउ डिड ही बिकम अ पार्ट ऑफ दिस बुक? ही केम इन बिकॉज ऑफ हिज फादर. अच्छा, ये क्यों? फादर को कभी मिला नहीं आज तक मैंने. बट हिज फादर टॉट हिम सो मेनी वंडरफुल थिंग्स दैट He really made a fantastic career of his life. Yeah. तो उसके फादर फौज में थे, तो मेरे को दो किस्से सुनाए नय्यर साहब ने. पहला था कि जम्मू में घूम रहे थे वो, तो एक नेबर की वाइफ को कोई पीट रहा था, उसका हस्बैंड ही. तो सब लोग उसे देखे तमाशा देते, नॉर्मली तो लोग तमाशा देखते बैठ के. His father was going on a cycle next to that woman. He stopped his cycle, got off, went and caught hold of that guy. सर अब मार के दिखा, एंड वो हिला नहीं गया उसके बाद में. तो इसे परमजीत से आई सॉ माय फादर डूइंग दैट, एंड दैट रियली दैट अ लेसन चैलेंज. यू आर स्टिल इन स्कूल एट दैट टाइम, दैट्स अ लेसन चैलेंज. सेकंड थिंग फादर यू शुड डू वाज कि आर्मी में ट्रांसफर तो होता रहता है, तो वो क्या जो सामान के लिए वो कभी बाहर से लेबर लोग कुछ नहीं लेके आते थे. वो अपने लड़कों को, दो लड़के थे उनके, उनको बोलते तुम सामान लेके जाओ, एंड यू शुड पे देम फॉर इट, यू नो. सो इंस्टेड ऑफ पेइंग द कुलीज, You would pay the kids. So his son learned the value of labor and getting paid for it earlier in his life, which has helped him throughout. फिर ये बड़े हो गए, इन्होंने इंजीनियरिंग कर ली, and he was doing well for himself. When there was some problem which happened, and he got sacked from job. Now when you get sacked, आपको नौकरी तो मिलती नहीं उसके बाद में, क्योंकि आपके बायोडाटा में आ गया. तो इनको बड़ी तकलीफ हुई, इनको मतलब खाने के लिए पैसे नहीं, रहने के लिए पैसे नहीं. बॉम्बे में होते थे तभी ये, तो बड़ी मुश्किल, बहुत बहुत मुश्किल जिंदगी उन्होंने बताई, वो जो 6 महीने थे बहुत ही मुश्किल जिंदगी. सर, सो व्हाट स्टेप्स डिड मिस्टर नय्यर टुक टू यू नो रीबिल्ड हिज लाइफ? सी, हिज फिलॉसफी वेरी सिंपल. ही सेज इफ यू डू समथिंग सिंसियरली, डू योर बेस्ट, डोंट वरी अबाउट मनी, थिंग्स विल हैपन. सो ही सेज आई गॉट अ जॉब फर्स्ट, फाइनली ही गॉट अ जॉब एंड ही स्टार्ट वर्किंग आउट देयर. देन समबडी केम टू हिम के ये कॉन्ट्रैक्ट कर लो हमारे लिए. तो ही सेज मैंने उस टाइम ये सोच लिया कि मैं क्लाइंट का पहले सोचूंगा, क्लाइंट का फ़ायदा कैसे होगा. कहना छोटे जॉब से शुरू किया, बहुत अच्छी तरह किया, तो फिर और जॉब मिला उसे, और बड़ा जॉब मिल गया, फिर और बड़ा जॉब मिल गया. तो बस ऐसे करते करते मेरी बड़ी तरक्की होगी, और अल्टीमेटली टुडे ही इज़ दी कंट्री हेड ऑफ अ कंपनी कॉल्ड ओशिनियरिंग. इट्स अ यूएस बेस्ड कंपनी. ही इज़ दी कंट्री हेड एंड ही गॉट अ टीम ऑफ सम 800 पीपल वर्किंग विद हिम. मतलब जिंदगी की सफलता जो उसने दिखाई वो फैंटास्टिक थी. और यही चीज़ नहीं है, उसकी फैमिली भी ऐसी है. उसकी वाइफ रजनी इज़ वर्क्स एन एनजीओ हरसेल्फ, उसको छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाती है और खाना खिलाती है उनको. सन चरणजीत, ही इज़ ऑल्सो डन इंजीनियरिंग एंड नाउ इज़ वर्किंग द यूएसए. रियली रियली फैंटास्टिक फैमिली. सर, सो व्हाट कैन द यूथ लर्न फ्रॉम द लाइफ ऑफ मिस्टर नय्यर? हाउ डू दे गेट इंस्पायर्ड? व्हाट डू यू थिंक इज द मोस्ट इंस्पायरिंग पॉइंट दैट कम्स? नय्यर साहब टोटली बिलीव्स के यू मस्ट बी फिट इन योर बॉडी. बोलते हैं प्लीज गेट इन्वॉल्व इन स्पोर्ट्स, हैव अ गुड टाइम एंड मेक श्योर योर बॉडी इज फिट. इफ योर बॉडी इज फिट, योर माइंड विल बी फिट. तो नय्यर साहब जहाँ भी आते हैं यही बोलते हैं कि भैया पढ़ो पढ़ो सब पढ़ो, लेकिन अपने वो हिमसेल्फ वॉज अ बॉक्सिंग चैंपियन. आपकी बॉडी बिल्कुल फिट होनी चाहिए, तब आपकी जिंदगी सफल होगी. देन यू कैन टेक केयर ऑफ प्रॉब्लम्स व्हेन दे कम अप. एंड आई थिंक फॉर दैट इज ऑल्सो ही लर्न फ्रॉम हिज फादर ओनली. फादर फौजी थे तो उसे उन्होंने सीख लिया कि भैया बॉडी फिट रखनी है. Sir, so how can people now read about Mr. Nayar and where do they find this book and where do they get to read it from? Okay, there are two ways how you can get the book. One is through the net, through Amazon, through Flipkart, or through a site called Spurring Success. Ye ek tarika hai. Dusra tarika hai, if you're fortunate enough to be in either school or in a college, toh usme kya hai ki hum ye kitab free bhejte hain 2500 school aur college ko library mein rakhne ke liye. Woh iske liye ki bachche padhenge, hopefully they'll get inspired. एंड होपफुली दे विल ऑल्सो से मैं भी ये कर सकता हूँ. दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बुक. उसके अलावा ये फंडिंग कैसे होती है किताब की, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है. आई मीन 2500 स्कूल कॉलेज को किताब भेजनी, कुरियर कॉस्ट ही मार देगा आपको. तो ये जो लोग फीचर होते हैं किताब में, वो किताब खरीदते हैं. किताब किसके लिए खरीदते हैं? वो अपनी इमेज बिल्डिंग के लिए करते हैं. वो अपने कस्टमर्स को बेचते हैं, अपने बैंकर को भेजते हैं बेटर टर्म्स लेने के लिए, सप्लायर्स को भेजते हैं, कॉमन फंक्शनरीज को भेजते हैं, अपने दोस्तों को भेजते हैं, रिलेटिव्स को भेजते हैं. तो
वो जो पैसा आता है उससे हम ये किताब फ्री भेजते हैं 2,500 स्कूल एंड कॉलेज। तो दो तरीके हैं लेने के। वंडरफुल। मैंने जो सीखा सर, तीन मेजर चीज़ें, दिस इज़ फॉर द ऑडियंस, यू मस्ट नो। एक तो बिलीव इन योर पेरेंट्स, योर फादर, आई थिंक यू लर्न द बेस्ट फ्रॉम देम। एब्सोल्युटली। सेकंडली, कीप डूइंग व्हाट यू नो द बेस्ट एंड सक्सेस विल फॉलो। थर्ड इज नेवर गिव अप। आई थिंक द चैलेंजेस विल कम एंड यू ऑल फॉलो। एब्सोल्युटली, दिस गाय इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ दैट। परफेक्ट। सो मोर ऑफ दीज एग्जांपल्स टू कम इन द फॉलोइंग एपिसोड्स। वी वुड लुक फॉरवर्ड टू सी यू अनदर ग्रेट एपिसोड, एन इंटरेस्टिंग एपिसोड ऑफ अनदर इंस्पायरिंग इंडियन पर्सनैलिटी। सी यू सून।